ऑब्जर्वेशन है, इसमें हम बोल सकते हैं कि आज नामपल्ली के हर कार्यकर्ताओं के मन में ये है कि भाजपा को यहाँ से आने वाले दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, उसमें नामपल्ली में भाजपा को जिताने का लोगों में विश्वास है। जो पब्लिक है, जो वोटर है, उनमें भी ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही ये देश जिस तरह विकास कर रहा है, आने वाले दिन में अगर तेलंगाना में भी हम अपना डबल इंजन का सरकार बना पाए तो तेलंगाना का भी विकास हो सकता है। हमने देख आपके बोले पत्रकार बंधु, आने वाले दिसंबर में 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और अपना तेलंगाना, इसमें 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस 679 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पूरा दम से जीतने के लिए दूसरे प्रदेशों से एक एक विधायक को जिम्मेदार दिए। पूरे 5 राज्य में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं और तेलंगाना के इस नामपल्ली में मैं आसाम से लखीपुर मेरा विधानसभा है, वहाँ से मैं भाजपा का विधायक हूँ, मेरे को नामपल्ली में दिया गया है। पिछले 8 दिनों से मैं 20 से 27 तक अगस्त तक ये 8 दिनों में हम लोगों ने नामपल्ली में अलग अलग कार्यक्रम किए, अलग अलग लोगों से मिले, बस्ती में गए, संपर्क किए, लोगों के घर में गए, डबल बेडरूम का क्या इशू है वो भी हम लोगों ने देखा, वृद्धाश्रम में गए, अनाथ आश्रम में गए, गौशाला में गए, लोगों से जाके हर जगह में हर तरह के लोगों से हम लोगों ने मिले, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या उत्साह है इसको भी हम लोगों ने देखा। और ये 8 दिन आज हमारा बाइक आपके इसके बाद में बाइक रैली है, बाइक रैली के बाद में हमारे 8 दिन का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम का समाप्त होगा। 8 दिन का ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसमें हम बोल सकते हैं कि आज नामपल्ली के हर कार्यकर्ताओं के मन में ये है कि भाजपा को यहाँ से आने वाले दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, उसमें नामपल्ली में भाजपा को जिताने का लोगों में ये विश्वास है। जो पब्लिक है, जो वोटर है, उनमें भी ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही ये देश जिस तरह विकास कर रहा है, आने वाले दिन में अगर तेलंगाना में भी हम अपना डबल इंजन का सरकार बना पाए तो तेलंगाना का भी विकास हो सकता है। हमने देखा कि यहाँ पे आज BRS की जो गवर्नमेंट है पिछले 9 साल में हर कम्युनिटी को, कास्ट को बांटने का काम कर रहे हैं, SC से BC का, BC से दूसरे कम्युनिटी का, हिंदू से माइनॉरिटीज का, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का काम कर रहे हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं। आज BJP रूल्स जो स्टेट्स है जहाँ पे डबल इंजन के सरकार हम बोल सकते हैं, वो आज आसाम हो, आज उत्तर प्रदेश हो, आज जहाँ भी हो वहाँ पे जिस तरह का डेवलपमेंट है, आज तेलंगाना में उस तरह का डेवलपमेंट पिछले 8 दिनों में मेरे को देखने के नहीं मिला यहाँ पे। इसलिए आज नामपल्ली के हर घर में लोगों ने यह संकल्प है कि आने वाले दिसंबर के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी है, सबका मन में है। और तेलंगाना आज हम ये बता सकते हैं, तेलंगाना में लोगों में जो जोश है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो जोश है, हम बता सकते हैं कि तेलंगाना में भी दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहाँ पे विजय प्राप्त करेगी। यहाँ पर नामपल्ली में 5 बार से BJP का प्लेस, 3rd प्लेस, 4th प्लेस आ रहा, उसका बारे में क्या बात करते हैं? देखिए, आप सिर्फ नामपल्ली का नहीं, बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ के आप देख सकते हैं, जहाँ हमारा कुछ नहीं था लेकिन चुनाव में आज असम में हमारे 5 MLA थे, 2011 में 5 MLA थे, 16 में जब कार्यकर्ताओं में जोश आया, लोगों ने जब मोदी जी को नेतृत्व को में सरकार लाने की कोशिश की, हम 66 सीट जीत पाए। हरियाणा में हमारे 5 MLA थे, वहां से हम 45 तक जीत के आए, तो 4, 5, 6 नंबर हो सकते हैं लेकिन इस बार हम इस चुनाव में हम 1 नंबर होंगे। यहाँ पर मुस्लिम वोट सब बढ़ के है ना सर, उसके बारे में क्या सोचे यहाँ पर? मुस्लिम वोट है, बहुत सारे सीट देश पर है जहाँ मोदी जी के नेतृत्व में माइनॉरिटी सीट्स भी हम जीते हैं, आसाम में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, नामपल्ली भी आप लोग जीतेंगे, नामपल्ली जीतेंगे इस बार। कार्यकर्ताओं में भी जैसा जोश है, लोगों में भी ये है कि मोदी इस बार नामपल्ली को हमें BJP को देना है। नामपल्ली के थोड़े लोग, थोड़े BJP के लोग, नामपल्ली के थोड़े BJP के लोग कांग्रेस को लास्ट टाइम उससे पहले भी कोर्ट काम करे, इस बार उन लोगों को क्या सूचना देते? वैसे कुछ नॉलेज में है क्या आप लोग? मुझे उस नॉलेज में नहीं है क्या क्या तोड़े आप बताएं, लेकिन इस बार का मैं पिछले दिनों का नहीं जानता, इस बार में है कि लोगों में निश्चित है कि BJP को जीताना है, स्पेशली नामपल्ली में जो हो रहा है सर, कांग्रेस को कोर्ट को काम करे, इससे पहले करे, उससे पहले भी करे, इस बार आपके कार्यकर्ता लोग करे, थोड़े लोग
पिछले दिनों को आप भूल जाइए, इस बार 2023 का दिसंबर बीजेपी के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा नामपल्ली में।